राजस्थान बेरोजगारी में देश में दूसरे नंबर पर है और देखा जा सकता है किस तरह से बेरोजगार यहाँ पर अलग अलग भर्तियों को लेकर बैठे हुए हैं। रीट की परीक्षा में पेपर लीक को लेकर राज्य भर में जो छात्र है आंदोलनरत है, लेकिन रीट 2018 की ज्वाइनिंग को लेकर भी बहुत सारे जो छात्र इंतजार कर रहे हैं। फार्मासिस्ट भर्ती लंबित है, इनका कहना है कि 5 बार परीक्षा स्थगित हो गई, 3 साल से लंबित है। इस तरह से ये पंचायती राज की परीक्षा भर्ती जयन भर्ती के लिए आए हुए हैं, दंत चिकित्सक संघ से आए हुए हैं। तो इस तरह से अलग अलग भर्तियों को लेकर राजस्थान में लंबे समय से आंदोलन चलता रहा है। बार बार सरकार से वार्ता होती है मगर अभी तक कोई निष्कर्ष निकल नहीं पाया है। उपेन यादव है बेरोजगार संघ के, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो क्यों बैठना पड़ा आपको? देखो, पहले सरकार से लिखित में समझौता हुआ था, रात को 12:30 बजे मंत्री आए थे, 2 मंत्री आए थे, लेकिन वो मांगे आज तक पूरी नहीं हो पाई। और जिस प्रकार हम लगातार मंत्रियों से चक्कर काटते हैं, सुभाष गर्ग जिसमें कमेटी के सदस्य, वो तो बदल ही गए कि मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी, मैं तो सदस्य हूं। तो अपने वादे से सरकार मुकर रही है। इसके अलावा जो रीट और जो एसआई में जो मामला सामने है उसकी जांच सीबीआई से हो, सख्त गैर जमानती कानून बने और जो नई भर्तियां निकाली जाए चिकित्सा शिक्षा विभाग में और बाहर राज्य का कोटा समाप्त हो, टोटल 21 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री जी दावा कर रहे हैं कि हम भर्तियां निकाले, लेकिन 2018 की रीट के जो 100 दिन से लोग धरना दे रहे हैं, 2018 के अभ्यर्थी, अभी तक वो भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। नहीं पंचायत राज जैन भर्ती आ पाई है, न पंचायत राज एलडीसी हो पाई है, नहीं प्रयोगशाला सहायक है, जहां मंत्री जी ने वादा किया था कार्तिक जनसभा में कि स्कूल व्याख्या था कि 600 निवासी पद जोड़ेंगे, वो भी नहीं हो पाया। न टेक्निकल हेल्पर की भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो पाई है, न प्रयोगशाला सहायक के अलावा रेडियो का पर लैब टेक्नीशियन, तमाम भर्ती के लोग यहाँ मौजूद है। जो लिखित में समझौता दिया उन मांगों को पूरा करे, बाहर राज्य कोटा समाप्त करे, सीबीआई से जांच करवाए और गैर जमानती कानून बनाए। पेपर लीक में क्या पता चल पाया आप लोगों को? पेपर लीक में जो सारे हालात ऐसे हैं कि पेपर हर भर्ती का लीक हो रहा है, तो सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, जल्द से जल्द निष्पक्ष सीबीआई से जांच करवाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे और सख्त गैर जमानती कानून का ऑर्डिनेंस विधानसभा में लेके आए। तमाम 21 सूत्रीय मांगों को लेकर हमारा आंदोलन जारी, आज मैंने अमर अनशन शुरू कर दिया। आप लोग क्या किस लिए बैठे हैं? हम रीट 2018 की ज्वाइनिंग के लिए बैठे हैं। 3 महीने से ज्यादा तो हमारा धरना बिकाने निदेशालय के सामने है और हमारी वैकेंसी को आए हुए 10 महीने हो चुके हैं, पूरा काम हो चुका है, हमारे को सिर्फ ज्वाइनिंग मिलनी बाकी है, वही काम हमारा अटक रहा है। तो हमारी यही गुहार है कि हमारी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवा के हमें स्कूलों में पहुँचाया जाए। और कब परीक्षा दिए थे आप लोग और क्या समस्या क्या आ रही है ज्वाइनिंग? हमने एग्जाम 2018 में दी थी, 30 दिसंबर 2020 को हमारा परिणाम आया था, उसके बाद में हमें जिला अलॉटमेंट हो चुका है, स्कूल अलॉटमेंट, सिर्फ हमारा ज्वाइनिंग बाकी है। 10 महीने से हमारे कोर्ट में भर्ती अटकी हुई है, 100 दिन से बीकानेर निदेशालय के सामने धरना हमारा निरंतर जारी है। सरकार सख्त से सख्त, मजबूत से मजबूत पैरवी करवा के और हमें जल्द से जल्द स्कूल में पहुंचाया जाए, यही हमारी सरकार से गुहार है कि हमें जल्द से जल्द एजी डबल एजी साहब को आप है ना कोर्ट में भेजो, उनसे शारीरिक रूप से उपस्थित करके और हमारी पैरवी करवाओ और 2018 वालों को ज्वाइनिंग दिलवाओ। ये जो आप लोगों की जो मांग है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, उसमें कहां रुकावट आ रही है? ये जो स्कूल व्याख्या था भर्ती 2018 में आई थी और 2019 में सरकार ने एक डेट में जाके ईडब्ल्यूएस और एमबीसी आरक्षण को लागू किया था। उस समय की हमारी जो समकालीन भर्तियां थी उन एलडीसी जो आईटी उपाचार्य की ये भर्तियां थी उनमें पद बढ़ा दिए थे जो ईडब्ल्यूएस और एमबीसी आरक्षण के कारण कम हुए थे, लेकिन स्कूल व्याख्या था एकमात्र भर्ती है जिसमें सरकार ने अभी तक पद बढ़ाए नहीं है और शिक्षा मंत्री जी आश्वासन के ऊपर आश्वासन देते आ रहे हैं। जब हमने जनवरी में यहाँ पे 22 दिन से यहाँ पे आंदोलन किया था तो शिक्षा मंत्री जी खुद आए थे और बोला आपकी समस्या का जल्दी समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद में सुजानगढ़ उपचुनाव की कातर जनसभा में उन्होंने वादा किया था कि आप यहाँ से मनोज जी मेघवाल को जिता कर भेजो और आपके पास मेरा टेलीफोन आएगा, आपका काम 100% कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक हमारा काम नहीं हुआ है। ये जो धूप में आप लोग बैठे हैं, धूप में बैठना मुश्किल हो रहा है? आज सर हम तो क्या है, 2018 भर्ती जो व्याख्या की है उसके लिए आए हैं। सर शिक्षा मंत्री जी जो है उन्होंने कातर जनसभा में सर वादा किया था कि हम आपके 689 पद है वो बढ़ा देंगे, लेकिन सर बार बार हम लोगों को धरना देना पड़ता है, लेकिन मंत्री जी अभी तक होश में नहीं आ रहे हैं। हम उन कांग्रेस सरकार को जगाने के लिए बार बार हर जगह एकत्रित हो रहे हैं। देखा जा सकता है कि तेज धूप है, लेकिन इनका कहना है कि सरकार की तरफ से यहाँ पर टेंट लगाने
की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से ये तेज धूप में बैठे हुए हैं। कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जिन भर्तियों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं उन भर्तियों में सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है, जिसकी वजह से ये बार बार आंदोलन पर उतारू हो जाते हैं और अब ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनका कहना है कि सरकार को हमारी मांगे माननी होगी। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।